हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एम एफ ट्यूट्स। गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी ऐप के अंदर अलर्ट डायलॉग बॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बटन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स शो होगा जिसपे लिखा होगा डू यू वॉन्ट टू डिलीट। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो टॉस मैसेज शो करेगा। अगर मैं येस पे क्लिक करता हूँ तो तब भी ये टॉस मैसेज को शो करेगा। जैसे कि अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने लिखा टॉस में शो किया कि कैंसल्ड है। तो गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आसानी मिल सके। तो आइए गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स की एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट मैंने की हुई है जिसके अंदर मैंने सिंपल कोई इतनी खास चीज इस्तेमाल नहीं की। मैंने सिर्फ टेक्स्ट सेट किया और इसका साइज और स्टाइल वगैरह यहाँ पे सेट कर दिया। तो गाइज हम यहाँ पे सबसे पहले एक बटन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो उसकी विड्थ है वो मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट, जो उसकी हाइट है वो मैं कर देता हूँ रैप कॉन्टेंट। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसके टाइटल को सेट करूंगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ जिसके अंदर लिख देता हूँ अलर्ट, और उसके बाद जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक मैं बहुत ही यूज करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मार्जिन टॉप यूज करता हूँ, मार्जिन टॉप जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 dp। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के थोड़ा सा नीचे वो आ चुकी हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो अब आप आसानी देख सकेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट के साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 18 sp यूज करूंगा। तो गाइस अब मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यूज करूंगा जिसके अंदर मैं अपने फंक्शन के नेम को लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट का, ये हमारा फंक्शन होगा। तो जिसको जब हम बटन को क्लिक करेंगे तब ये वाला फंक्शन वर्क करेगा और हमारा जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स होगा वो शो हो जाएगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि हमने अभी अपने फंक्शन को क्रिएट नहीं किया हुआ, इस वजह से ये एरर शो। तो हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी डॉट केटी के अंदर जहां पे हम सबसे पहले इस फंक्शन को लिखेंगे जहां हमने बनाया था अलर्ट का नेम का। तो यहां पे सबसे पहले मैं अपने व्यू को पैरामीटर पास करता हूं एज अ व्यू और उसके अंदर हम अपने अलर्ट डायलॉग बॉक्स को शो करेंगे। तो अलर्ट डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए हम सबसे पहले यहां पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके इक्वल करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर और इसके अंदर हम दिस पैरामीटर पास कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे अलर्ट डॉट शो करेंगे, अलर्ट डॉट सेट टाइटल करेंगे हम सबसे पहले, जिसके अंदर हम अपने जो हमारी अलर्ट डायलॉग होगा उसका टाइटल सेट करेंगे। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं डिलीट। उसके बाद हम यहां पे एक उसका आइकॉन शो सेट करते हैं डॉट सेट आइकॉन। यहां पे मैं लिख देता हूं एंड्रॉयड डॉट आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, यहाँ पे आईसी वार्निंग का एक, हाँ जी ये आ गया। आपने ये वार्निंग का जो आइकॉन है यहाँ पे इसको सेट कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना मैसेज को सेट करता हूँ डॉट सेट मैसेज। उसके लिए मैं यहाँ पे ले देता हूँ डू यू वॉन्ट टू डिलीट, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन को क्रिएट करते हैं जो हमारा येस और नो का काम करेगा डॉट सेट पॉजिटिव बटन, जिसके अंदर हम अपना येस का एक ये कीवर्ड लिख देते हैं यहाँ पे येस, कि अगर येस पे क्लिक करेगा तो वो उसको डिलीट कर देगा, अगर वो नो पे क्लिक करेगा तो अपने यहाँ पे डिलीट का ऑपरेशन लगा देना है। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे अगर वो आपने ऑपरेशन लगाना तो उसके लिए हम यहाँ पे डायलॉग इंटरफेस और यहाँ पे आई और यहाँ पे सिंपल आपने जो भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसका कोड आपने यहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल टॉस डॉट मेक टैक्स लिखूंगा और जिसके अंदर मैं दिस का पैरामीटर पास करूंगा और मैं यहाँ पे अपना मैसेज लिख देता हूँ डिलीटेड। ठीक है गाइस, उसके बाद हम क्या करेंगे डिलीटेड और उसके बाद हम यहाँ पे टॉस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट कर देंगे और उसके बाद हम अपने टॉस्ट मैसेज को शो करवा देंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव बटन क्रिएट हो चुका होगा, मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ ताकि ये आसानी से नजर आए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना एक नेगेटिव बटन जो कि हमारा कैंसिल का बटन होगा उसको सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव बटन लिखता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं कैंसिल कैंसिल और उसके बाद हम अगेन यहाँ पे डायलॉग इंटरफेस का एक
ये लैम्डा फंक्शन होता है बेसिकली कॉटलिन के अंदर, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो, नहीं पढ़ी तो फिर भी कोई मसला नहीं। टॉस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और उसके बाद हम यहां पे दिस का एक कीवर्ड अप्लाई करते हैं और यहां पे हम लिख देते हैं कैंसल्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं यहां पे टॉस डॉट लेंथ शॉर्ट करेंगे, टॉस डॉट लेंथ शॉर्ट, उसके बाद इसको डॉट शो, हमारा जो टॉस मैसेज है उसको शो करवा देंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद हमने यहां पे क्या करना है, हमारा पॉजिटिव बटन भी क्रिएट हो चुका है, हमारा नेगेटिव बटन भी क्रिएट हो चुका है, हम सिंपल यहां पे इसको शो करवा देंगे डॉट शो। इस डॉट शो का जो फंक्शन कॉल करने से हमारा जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स है वो शो हो जाएगा। तो आइए अब हम अपनी ऐप को रन करके देखते हैं और उसको टेस्ट करते हैं क्या ये ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही। तो जी गाइज, हमारी ऐप सक्सेसफुली रन हो चुकी है, आइए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैं यहां पे अलर्ट के जो बटन हमने क्रिएट किया है उसको मैं क्लिक करता हूं और आप देख सकते हैं हमने जो यहां पे अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्रिएट किया है वो यहां पे शो हो गया है। ठीक है गाइज, तो अगर मैं यहां पे यस के बटन पे क्लिक करता हूं जो कि हमारा पॉजिटिव बटन था तो यहां पे डिलीटेड आ जाएगा, अगर मैं यहां पे नेगेटिव के बटन पे क्लिक करूंगा तो वो शो कर देगा, कैंसिल के अगर बटन पे क्लिक करता हूं तो वो शो कर देगा कि ये कैंसिल हो चुका होगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।